हाय, मैं वसीमा भट्ट और मेरे साथ हैं तनिष्का जो है बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस है। और आपका फेवरेट नाटक कौन सा है? तो मंटू साहब का आपको कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें से आपको डालोगे? आप खोल दो याद रखे, मंटू साहब का ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, तो उसके डायलॉग आप सुना सकती हैं? सुनाइए। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुदर्शिक जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे टैंक की ठंडी जमीन जब सिराजुद्दीन ने अपनी आंखें खोली तो अपने चारों तरफ मर्दों औरतों और बच्चों का एक मुकाबला समुंदर देखा, तो उसकी सोचने समझने की कुवतें और भी जमीन। वो देर तक जगले आसमान को की बांधे देखता रहा। यूँ तो कैंप में हर तरफ सोल पड़ता, लेकिन सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गए, लेकिन ऐसा नहीं। उसके रोशो बाहर सन उसका सारा वजूद खाना में मोहल्ला। यूँ तो कैंप में हर तरफ सोल पड़ता, लेकिन बोलते इतनी लंबी। हीरो नहीं तो वो कमरा में थी, तो वो एक्ट्रेस थी, मैं रुक रही थी, तो वो अगर याद है तो सुना दूँ। समाने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नवाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़ो। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयाँ हैं वो इस अहद की बुराइयाँ हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है। दरअसल मौजूदा निज़ाम का मैं हंगामा पसंद हूँ। मैं लोगों के ख्याल को जज्बात में हलचल पैदा करना नहीं चाहता। मैं तहजीबों के मध्य और सोसाइटी की चोली क्या उतारूँ जो है ही नहीं, मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी करता हूँ इसलिए कि वो मेरा काम है। लोग मुझे सियाह कलम कहते हैं, लेकिन मैं सकता है सियाह पर काली चाक से नहीं होता, सफ़ेद चाक का इस्तेमाल कि तकता है सियाह की सियाही और ज़्यादा नुमाया हो जाए। ये मेरा खास अंदाज, मेरा खास दर्ज है जिसे फैशनेगारी तरक्की पसंद है और खुदा वालों क्या क्या कुछ कहा जाता है। लाना थो सादा थसन मंटो लंबक को गाली भी सही कह सकते। इतने सारे लाइन जो हैं कितने दिन हम याद हैं? Amazing. Thank you so much. आप देख लो भाई, हम आपको कुछ चार लाइन याद करने में पसीने छूट जाते हैं। इंशाल्लाह आपको कमाल के। थैंक यू सो मच। कट कर।